मुल्क हमारा है, एनआरसी सीएए सब जुमला है। हम देख रहे हैं असम में क्या हुआ, 19 लाख पीपल डिड नॉट हैव सिटीजनशिप। अरे एक प्रीवियस मिनिस्टर का सिटीजनशिप नहीं मिला भाई, कारगिल वेटरन का सिटीजनशिप नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान था। अगर इतना बड़े लोगों का नहीं मिला तो आम आदमी का क्या होगा? कहां से ले आएंगे हम डॉक्यूमेंट? क्यों ले आना है? आप कौन होते हैं भाई हमें पूछने वाले? जब वोट मांगते हैं तो सिटीजन नहीं है हम, आधार कार्ड से लिंक करना है, हमारा पैसे बैंक को लेने के लिए हम लाइन में खड़े होना है, सब करना है हमको। लगे रहो, शांत से लगे रहो, विथ कमिटमेंट। यहां भीड़ कम है लेकिन दिल बड़ा है ना? ऐसे पूरी देश में हम लगाए लगे रहेंगे। मैं आपके साथ रहता हूं, नेवर एवर स्टॉप। अगर आज चुप हो गए हम तो कभी नहीं उठ पाएंगे। इतिहास से सीखना है हम। यही हुआ जर्मनी में, जब हिटलर ने सिटीजनशिप लॉ लेके आया, लोग चुपते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ हम सबको पता है। ये चुप रहने का टाइम नहीं है, आवाज उठाने का टाइम है। आवाज उठाना ही चाहिए, वी हैव टू क्वेश्चन, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे ये लोग। वर्ल्ड ट्रैवल जो बनता है ना, हमारा टैक्स है भाई। आपका कैमरामैन, आपका मीडिया, सभी हमारा पैसा है। की कहा बहन ने, नौकर है तू, काम कर, काम कर। अगर करना है तो बहुत काम है इस देश में। 1 लीटर दूध को 10 लीटर पानी में लगा के 100 बच्चों को पिला रहे ना, उसको देख, 3000 करोड़ों का स्टैचू नहीं चाहिए हमको। अगर बनाना है नेशनल रजिस्टर, बना सिटीजनशिप का नहीं, ऐसा रजिस्टर बना जहां रोजगार कितने लोगों को है, अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर बना, कागज दिखाएंगे। बना एक रजिस्टर, कितने बच्चों को अभी तक पढ़ाई नहीं पहुंचा है, बना वो रजिस्टर बना भाई। उल्लू मत बनाओ, देश सुनने वाला नहीं है। जो खड़े हैं आप जैसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं। ओके, देश हमारा है। साहब ने कह रहा था अगले इलेक्शन में खड़ू तो जिताओ, मुझे जिताओ मत। इस देश में ये सच समझ में आना है सब लोगों को। इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर जीतता नहीं है, हारता नहीं है। अगर हम नहीं चुनते हैं तो हम हारते हैं, जब सही चुनते हैं तो हम जीतते हैं। हमारा पैसा है, हमारा मुल्क है, ये हमारा है, इनका नहीं है। इनका नाटक बंद करना है। वायलेंस पे मत जाओ, ये चाहते हैं कि हम वायलेंट बने। हमको वायलेंट नहीं बना, हम हमारा हक के लिए फाइट कर रहे हैं। नॉन सरदार चीटिंग करता है, सारा चीटिंग करता है। सरदार पटेल ने वार्न किया था आरएसएस को, जब उनको बैन करने के बाद वापस लिया तो उनको वार कर दिया था, आप एक बोलते हैं करते हैं दूसरा, ये नाटक मत करो। अब हम लोग इसको बीजेपी से कहते हैं, हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। हम दिस गाइस आर डेंजरस, दे न्यू इट इज डेंजरस। वी कुछ भी लीगल लॉ पॉइंट लेके आओ, इट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट रीराइट। इट इज द मोस्ट रेवर्ड रेस्पेक्टेड बुक ऑफ एवरी इंडियन। वी विल नॉट लेट यू चेंज अ वर्ड ऑफ इट। ओके, मारो कितनी गोली मारना है, करो कितना करना है, हम तो हटने वाले नहीं है। आगे चलेंगे, आजादी फिर लेंगे। थैंक यू। इंकलाब, 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 इंकलाब। शुक्रिया। आप
पार से आजादी।